हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, आज का दिन विजय एजुकेशन के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज अपने विजय एजुकेशन की जर्नी, विजय एजुकेशन का सफ़र एक बहुत ही बड़े YouTube प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है। अर्थात बच्चों, क्लास प्लस के नाम से एक एजुकेशनल YouTube प्लेटफॉर्म है, और जहाँ पर बच्चों जितने भी जो सक्सेस अपने जो फील्ड में, जितने भी सक्सेस जो बड़े मेरे दोस्तों एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने कम समय में बच्चों के लिए, समाज सेवा के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है, उनकी सीरीज चल रही है। और मेरे दोस्तों, इसमें अपने विजय एजुकेशन का भी टॉप 10 में नंबर लगा है। तो विजय एजुकेशन की पूरी जर्नी आज क्लास प्लस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज शाम 7:30 बजे दिखाई जाएगी। तो सभी स्टूडेंट आज शाम 7:30 बजे इस क्लास प्लस के नाम से, ये यूट्यूब चैनल है बच्चों, ये इस यूट्यूब चैनल को आपको सर्च करके और इसके ऊपर 7:30 बजे 17 जनवरी 19:30 यानी आज 7:30 बजे ये लाइव आएगा वहाँ पे बच्चों इंटरव्यू। तो आप ज़रूर इसे देखें और शेयर करें, अपने स्टेटस पर डालें, अपने विजय एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे वहाँ पे कमेंट करने हैं बच्चों। आखिर विजय एजुकेशन क्या है, आपको वहाँ पूरा लिखना है कि विजय एजुकेशन ने बच्चों के लिए क्या किया है, विजय एजुकेशन ने आपके लिए कितनी मेहनत करी है, कितनी अच्छी टीम है यहाँ की, कितनी कम फीस में आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको वहां कमेंट बॉक्स में लिखनी है। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए बच्चों, वहां पे पूरा कमेंट बॉक्स कमेंट से भर देना है बच्चों। आपको एक बार आ जानी चाहिए, आज आपको अपना दम कम दिखाना है। 7:30 बजे एक बहुत ही बड़ी संख्या में आपको यहां लाइव जुड़ना है बच्चों, और बहुत अच्छे कमेंट आपको करने हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और वो जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है बच्चों, उनको भी लगेगा कि वास्तव में विजय एजुकेशन वाले बच्चे भी कुछ दमखम भरने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, समवृत्ति अंगों की उत्पत्ति का क्या कारण है। एक होता है समजात अंग, एक होता है समवृत्ति अंग। यह कह रहा है एनालोगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू। तो देखो बच्चों, आप सब जानते हो, एक तो होता है होमोलोगस ऑर्गन और एक कैसा होता है एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन तो वे होते हैं बच्चों जिनकी उत्पत्ति समान होती है, जिनकी उत्पत्ति, जिनकी ओरिजिन जो है वो समान हो दोस्तों, लेकिन जिनके काम क्या हो, कार्य क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, इसलिए समजात अंग जो है बच्चों वो अपसारी विकास का, अपसारी विकास का उदाहरण है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो समरूप अंग है, जिनको हम एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं बच्चों, ये वो अंग होते हैं जो कार्यात्मक रूप से तो एक जैसे हैं, जिनका काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन अंदर की संरचना अलग अलग है। जैसे जैसे कि बच्चों, मैं अगर बात करूं, एक बटरफ्लाई होती है तितली के पंख, ठीक है, और मधुमक्खी के पंख, पक्षी के पंख, ये सारे पंख, काम इन सभी का उड़ना है, लेकिन पक्षियों के जो पंख है बच्चों वो तितली के पंख की तरह आंतरिक संरचना में एक जैसे नहीं है। पक्षियों के पंख में तो ये वाली बोन है जो हमारे हाथ में होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है ना। और लेकिन तितली के पंख में क्या होता है, ऊपर वाली डर्मिस होती है, लेयर होती है, स्किन होती है केवल। तो अंदर की संरचना क्या है, अलग अलग है, कार्य क्या है, समान है। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। समरूप अंग मेरे दोस्तों अभी सारी विकास दर्शाते हैं, याद रख लेना। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, पहला तो क्या लिखा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये तो कौन दिखाएगा, समजात अंग, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता। कृत्रिम चयन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, कोई जीवों का आर्टिफिशियल सिलेक्शन थोड़ी ना हुआ है, ठीक है। आनुवंशिक प्रवाह भी नहीं हो सकता, ठीक है। आनुवंशिक प्रवाह का मतलब है कोई जेनेटिक मटेरियल में अचानक बदलाव आ गया, टूट गया कोई जीन, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी सारी उद्विकास, ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, कोवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो याद रखना, मैं एग्जांपल भी लिख रहा हूं, जैसे पक्षी के पंख, अगर एग्जाम ऐसे आ जाए, पक्षी के पंख और मधुमक्खी के पंख,
किस प्रकार के अंग है? तो क्या लिखोगे आप लोग? आप कहोगे सर ये तो समरूप अंग है। समरूप का मतलब क्या? जिन अंगों के कार्य क्या हो? समान हो। अंदर की संरचना क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, समरूप अंग किस तरह के विकास को दर्शाते हैं? अभिसारी को। समजात अपसारी को। समजात अंगों का काम समान नहीं होता, अंदर की संरचना समान होती है। ठीक है, मेरे हाथ और पक्षी के पंख समजात अंग है। काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अंदर की हड्डियां, अंदर की संरचना, उत्पत्ति समान है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? डार्विन के निम्न के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। डार्विन निम्न के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। मेरे दोस्तों डार्विन किस वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था? मेरे दोस्तों देखिए, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी वेरिच और इसके अलावा लेमार्क, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेरे दोस्तों इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। सबसे पहली थ्योरी किसकी आई थी? सबसे पहले थ्योरी आई थी लेमार्क की। लेमार्क के बाद किसकी थ्योरी आई थी? डार्विन की। डार्विन के बाद किसकी थ्योरी आई थी? ह्यूगो डी वेरिच की। कौन कौन सी थ्योरी आई थी, कौन बताएगा भाई? जल्दी बताओ, देखें। सबसे पहली थ्योरी किसकी थी? लेमार्क की। नाम क्या है इस थ्योरी का? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क ने कहा हम जो लक्षण अर्जित करेंगे वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, हम जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे वो अगली पीढ़ी में ज्यादा विकसित होगा, जिसका हम कम उपयोग करेंगे वो अगली पीढ़ी में कम विकसित होगा। लेमार्क के अनुसार तो हम अगर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, माइंड बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा पढ़ोगे आइंस्टाइन बन जाओगे। ठीक है ना, ये मामला है। लेमार्क के अनुसार तो आंखों का ज्यादा उपयोग करोगे आंखें बड़ी हो जाएगी, कम उपयोग करोगे छोटी रह जाएगी। तो वास्तव में ऐसा होता है क्या? हमेशा नहीं होता। ठीक है, फिर आए डार्विन जी। डार्विन ने क्या किया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, और इस सिद्धांत को काफी हद तक दोस्तों स्वीकार किया गया, काफी अच्छी थ्योरी थी। इसके बाद में आए डी व्रिज। डी व्रिज ने म्यूटेशनल थ्योरी दी, उत्परिवर्तनवाद दिया। ठीक है ना, म्यूटेशन के डिस्कवरर कौन है? ह्यूगो डी वेरिच। म्यूटेशन का मतलब क्या है? हमारे जीन में अचानक होने वाला बदलाव। बच्चों जीन में बदलाव हो गया तो आप बीमार हो जाओगे, और उस बीमारी को ना तो दुआ से ठीक किया जा सकता है और ना ही दवा से। उसका एक ही इलाज है, एक ही ट्रीटमेंट है, जिस जीन में गड़बड़ी हुई है उस जीन को ठीक किया जाए, जीन थेरेपी की जाए। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे ये तीन थ्योरियां याद रखना। ठीक है, इस लेमार्क का विरोध एक वैज्ञानिक ने किया था, उसका नाम है विज़मान, याद रख लेना। अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसने कहा डार्विन निम्न के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। किसके द्वारा हुआ? पहला, लेमार्क के अर्जित लक्षणों के सिद्धांत से प्रभावित हुआ। विज़मान के जर्म प्लाज्म के सिद्धांत से प्रभावित हुआ। वेलस के जातियों की उत्पत्ति वाले सिद्धांत से प्रभावित हुआ। कि टी आर मॉल्थस के जनसंख्या पर लेख से प्रभावित हुआ। याद रख लेना, डार्विन नाम जहां पर भी आए मॉल्थस नाम उसके साथ आता है। मॉल्थस ने मेरे दोस्तों जनसंख्या पर एक बुक्स लिखी थी पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है ना, तो याद रख लेना ये किसके ऊपर मेरे दोस्त किससे प्रभावित हुआ था? टी आर मॉल्थस ने पॉपुलेशन पर जो अवधारणा दी थी उससे आपका चार्ल्स डार्विन काफी प्रभावित हुआ था। मेरे दोस्तों चार्ल्स डार्विन दुनिया का वो वैज्ञानिक था जिसने मेरे दोस्तों जो है 1830 के बाद कई गैलापागोस द्वीप समूह थे, जो थे वहां पर कई वर्षों तक भ्रमण किया मेरे दोस्तों HMS बिगल नाम के एक जहाज की सहायता से। और वहां पर उसने देखा कि अलग अलग शरीर के और चोंच के आकार वाली कुछ वहां उसे बर्ड दिखी, उनको इसने डार्विन फिंचेज नाम दिया और उन पर स्टडी की। तब उसे पता चला कि हम जो जीव जितने भी पृथ्वी पर आज हैं हम पहले ठीक वैसे नहीं थे। ठीक है, समय के साथ इन जीवों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया और नई जातियां बनती गई, विभिन्नताएं उत्पन्न होती गई। ठीक है ना, कोई भी जीव नई जाति में तब बदलता है जब प्रकृति उसका चुनाव करती है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, अब चलते हैं आगे। हेकल नाम सुना है का? हेकल ने तो बहुत सारे काम किए बच्चों। ठीक है, हेकल की जैव आनुवंशिक सिद्धांत जिसे पुनरावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, वो क्या कह रहा था? ये पुनरावर्तन की थ्योरी क्या कहती है? देखो बच्चों, हेकल
बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिट्यूशंस थ्योरी स्टेट्स डेट। ये थ्योरी दी किसने थी? हैकल ने दी थी। बच्चों आप जानते हो फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब है प्रत्येक जीव के जैव विकास का एक इतिहास होता है, ठीक है ना। जैसे आज मनुष्य आज जैसा है, आज से लाखों करोड़ों साल ठीक पहले ठीक वैसा तो नहीं था, ठीक है ना। तो लगातार हमारे शरीर में कुछ न कुछ बदलाव होते गए, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पे हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज ये कपी थे, ये बंदर थे। फिर भी हम कहते हैं कि हमारी शुरुआत किस तरह के जीवों से हुई है हम बता सकते हैं। किस आधार पे बताते हैं भाई? हम भ्रूणी अवस्था में, दोस्तों भ्रूणी अवस्था के अंदर बहुत सारे ऐसे जंतु है जिनके लक्षणों में क्या देखने को मिलती है? समानता देखने को मिलती है, ठीक है ना। और फिर जैसे जैसे वो जीव वयस्क होता जाता है मेरे दोस्तों विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। जैसे मनुष्य का भ्रूण हो, भले ही बंदर का भ्रूण हो, भले ही पक्षी का भ्रूण हो या किसी फिश का हो, भ्रूणी अवस्था में तो बहुत ज्यादा समानताएं होती है, लेकिन फिर धीरे 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 जैसे डेवलपमेंट चलता रहता है मेरे दोस्तों असमानताएं बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर भ्रूणीय लेवल पर भी समानता है, इसका मतलब जब सबसे पहले पृथ्वी पर जंतु बनने शुरू हुए थे तब शायद कोई एक ही तरह के जीव रहे होंगे, उनसे ही आगे फिश बनी होगी, उनसे ही आगे उभयचर बने होंगे, उन्हीं से आगे फिर उभयचर से सरीसृप बने होंगे, फिर आगे रेप्टाइल से आगे बर्ड और मानव बने होंगे, कुछ ऐसा हुआ होगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों उद्विकास कैसे हुआ जंतुओं का। पहले कौन बना? फिश बनी, मत्स्य। फिर कौन बना? एम्फीबियन। एम्फीबियन का उद्विकास हुआ। फिर इससे किसका उद्विकास हुआ बच्चों? रेप्टाइल का हुआ। फिर किसका हुआ? ह्यूमन का। और किसका हुआ बच्चों? बर्ड का। और किसका उद्विकास हुआ बच्चों? बर्ड का। तो अगर पूछ ले कि भाई मानव के और पक्षियों के अगर कोई उभय पूर्वज है तो रेप्टाइल है, रेप्टाइल के हैं अगर कोई तो एम्फीबियन है, एम्फीबियन जो है वो उसके अगर कोई पूर्वज हैं तो आपके फिश हैं। मतलब ये एक श्रृंखला थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये लेवल था, ठीक है ना, ये मेरे दोस्तों एक लेवल है इवोल्यूशन का जंतुओं के लिए, ठीक है ना, याद रख लेना बच्चों। अब देखिएगा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि हैकल ने भी तो इसी तरह का एक पुनरावर्तन सिद्धांत दिया था जिसमें यह कहा गया था कि भ्रूणी अवस्था में अलग अलग जो जातियां हैं, ठीक है ना, उनके लक्षण जो हैं वो मेरे दोस्तों ज्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसी जीव का जीवन इतिहास, किसी जीव का जीवन इतिहास उस जाति का जैव विकासीय इतिहास प्रदर्शित करता है। फिर है संततियां पैतृकों से मिलती है, विकलांगता एक अर्जित लक्षण है, सभी जीव युग्मन जो से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। ये तीनों ही पॉइंट मेरे दोस्तों हैकल की थ्योरी में नहीं थे। हैकल की थ्योरी में तो ये वाला पॉइंट था कि हमारे जैव विकास के दौरान मेरे दोस्तों, ठीक है ना, जो है बहुत सारा इस तरह का हिस्ट्री है जिसे हम दोहराते हैं, ठीक है ना। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, हैकल के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट इवोल्यूटरी हिस्ट्री ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, इवोल्यूशन के दौरान जो भी बदलाव हुए मेरे दोस्तों, जो जो नई जातियां बनी हैं, ठीक है, आज उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, ठीक है ना, जो मेरे दोस्तों ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज कौन से जीव रहे होंगे, ठीक है ना। याद रखना, जैसे हमारे पास वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ना मानव के पास, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। ये अपेंडिक्स पशुओं के पास भी है ना, बिल्कुल है, वो उस अपेंडिक्स के द्वारा भोजन और सेलुलोज को पचाते ही नहीं पचाते हैं। इसका मतलब इन पशुओं के और हमारे पूर्वज शायद एक ही रहे होंगे, है कि नहीं। हम लोगों ने अपेंडिक्स का उपयोग करना छोड़ दिया, वो कर रहे हैं, सही है कि गलत है। तो ये बात कहीं ना कहीं पुनरावर्तन का परिचायक है। ओके, एक ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें लगभग समान दिखती है परंतु ये उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में भिन्न है। मेरे दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी अगर अंग है बच्चों, ठीक है ना, उस अंग की उत्पत्ति जो है वो तो है असमान, अलग अलग, और अगर उसका कार्य क्या है बच्चों, ठीक है ना, कार्य क्या है, समान। दो चीजें हैं बच्चों, कोई भी अंग, ठीक है ना, कोई अगर अंग है उसकी उत्पत्ति जो है, ठीक है ना, वो असमान है,
ठीक है ना, सॉरी, उत्पत्ति उसकी क्या है मेरे दोस्तों, समान है, और उसका कार्य क्या है भिन्न भिन्न है, उसका कार्य क्या है बच्चों अलग अलग है। तो उन अंगों को तो हम बोलते हैं समजात। क्या बोलते हैं? समजात। दूसरे अंग है समरूप, समरूप अंग। समरूप अंग की उत्पत्ति तो क्या होगी? अलग अलग, लेकिन कार्य क्या होंगे बच्चों? समान। कार्य क्या होंगे? समान। तो अब देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा, ऑक्टोपस और स्तनधारी दोनों में ही आंखें हैं, आंखों का काम है देखना, तो काम एक जैसा हो गया, लेकिन उत्पत्ति अलग है। देखो इसने क्या कहा, परंतु उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग है। तो किसी भी अंग की उत्पत्ति अलग हो, कार्य समान हो, वो अंग कैसा होगा? समरूप। समरूप का मतलब क्या? एनालोगस। समरूप को समवर्ती भी बोलते हैं बच्चों। और इस समरूप अंग में किस तरह का विकास दिखाई देता है? अभिसारी। ठीक है ना, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। पहला है पूर्वजी अंग, यह नहीं होगा। समरूप अंग बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना। तो यह समरूप अंग को दर्शाते हैं, किसको? एनालोगस ऑर्गन को दिखाते हैं, एनालोगस ऑर्गन को दर्शाते हैं। याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे दोस्तों। एक एनालोगस ऑर्गन का और उदाहरण बताऊं, मधुमक्खी के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, मधुमक्खी के पंख और किसके मेरे दोस्तों? पक्षी के पंख। पक्षी के पंख ये भी कैसा अंग है बच्चों? ये भी हमारा, ठीक है, समरूप अंग है, ठीक है ना। और क्या हमने एक दूसरा उदाहरण क्या पढ़ा? ऑक्टोपस एवं मानव की आंख, यह भी कैसा अंग है? समरूप अंग है। समरूप अंग का कार्य क्या होगा? समान। कार्य क्या होगा बच्चों? समान। आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़िएगा। दो संघों के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है बच्चों। आप सब जानते होंगे कि मेरे दोस्तों जब भी जीवों में जैव विकास का पूरा प्रोसेस चलता है तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक संघ है, ठीक है ना, वैसे मान लेते हैं ये एक आर्थ्रोपोडा संघ है। कौन सा? आर्थ्रोपोडा संघ है। दूसरा एक संघ है एनीलिडा। कौन सा है? एनीलिडा, ठीक है। अब ये कोई जंतु है बच्चों, उस जंतु के अंदर कुछ लक्षण एनीलिडा वाले हैं, कुछ लक्षण आर्थ्रोपोडा वाले हैं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि भाई ये एक जंतु दोनों संघ को जोड़ने वाली कड़ी है, योजक कड़ी है। तो बहुत सारे ऐसे जंतु है बच्चों जिनमें दो संघ के लक्षण होते हैं, ठीक है ना, इसलिए उसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू फाइलम, ठीक है ना, दो संघों के बीच की योजक कड़ी हम कहते हैं, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल याद रख लेना। तो पहला है ऑर्कियो ऑप्टेरिक्स, पक्षी और स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी है। बताओ ये सही है क्या? ये गलत है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको ही सही मानेंगे क्योंकि वो ऊपर ये नाम नहीं पढ़ रही है। यहां फाइलम पूछा है बच्चों, फाइलम संघ पूछा है, कोई पक्षी और स्तनधारी संघ थोड़ी ना है, ठीक है। फिर ये लिख रहा है एम्फीऑक्सस, इकाइनोडर्मेटा और कशेरुकी के बीच की, तो यहां कोई कशेरुकी मेरे दोस्तों लिख रहा है, इकाइनोडर्मस लिख रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद में पेरिपेटस, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है, बिल्कुल सही है बच्चों। इसके अंदर एनीलिडा के समान मेरे दोस्तों सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यह ऑप्शन आपका थर्ड यहां पे जो है वो करेक्ट है बच्चों, ठीक है ना। बाकी और तीर और इंकस, पक्षी और शरीर, यह भी गलत है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब देखिए मेरे दोस्तों, तो यहां पे हमने बात कर ली पेरिपेटस जो है वो एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। अब जो ऊपर लिखा है ना इसने आर्कियोप्टेरिक्स, ये बात सही है कि ये एवीज और मैमल्स के बीच की योजक कड़ी है? क्या ये बात सही है? ये भी बात सही नहीं है बच्चों, ठीक है ना। यहां मैमल्स थोड़ी ना होगा, ठीक है, यहां तो रेप्टाइल्स होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक जीव स्तनियों और सरीसृपों के मध्य की योजक कड़ी है? सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, और जितने भी मेरे प्यारे साथी, प्यारे स्टूडेंट जो इस लाइव सेशन से जुड़ते हैं, सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों का वेलकम करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि निखिल बुंदेला, गणेश सांकला, प्रिया चौधरी, मीना जी, निक्की जाट, खुशी परमार, सुमन वर्मा, कुलदीप गोराव, डोली कुमारी, प्रेमलता गुप्ता, आशीष, ठीक है। और इसके अलावा हमारे साथ जितने भी बच्चे हमेशा इस सेशन को देखते हैं, चाहे प्रेमलता चौधरी, ठीक है,
पहले तो मैं आप सबका बच्चों तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, ठीक है, हमेशा बच्चों आपका जो है दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, बिल्कुल 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 रवीना जी, इसके अलावा मनु, ठीक है, देवी कुमारी, प्रिया, प्रेमलता, ठीक है बिल्कुल, निकिता सोनी, ठीक है, आर राठौड़, ठीक है, सभी का वेलकम है। और मैं एक बात बता दूं, आप अगर वास्तव में कंटिन्यू रेगुलर अगर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हो बच्चों, तो ये तो आप मान के रखिएगा कि आपका सिलेक्शन तय है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। यही क्वेश्चन होंगे बच्चों, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों, ये जो सेशन आपका चल रहा है, इसकी PDF भी आपको मिल रही है, ठीक है, और जो ये टॉपिक मैं MCQ करवाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर मेरे दोस्तों आपको सभी टॉपिक के MCQ मिल रहे हैं, और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर प्रत्येक टॉपिक की, विजय एजुकेशन ऐप में पहले प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी की क्लास होती है, और जब टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, मान लो इवोल्यूशन टॉपिक है, तो सबसे पहले हम ऐप के अंदर इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ाते हैं, मान लो 5 क्लास थ्योरी की हो गई, इसके बाद जो 6ठी क्लास होती है ऐप के अंदर MCQ होता है, इसके बाद मेरे दोस्तों 7 नंबर पे हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, फिर आपको हम नोट्स देते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसके अलावा वहां पे हम एक बुकलेट भी देते हैं आपको। कुल मिलाकर के विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जो बच्चा जुड़ता है, उसकी तैयारी अलग अलग लेवल पे होती है दोस्तों। एक बार वो थ्योरी की क्लास देख के पढ़ता है, फिर MCQ द्वारा वो समझता है, फिर टेस्ट होता है, और टेस्ट का बाद में सॉल्यूशन भी हम देते हैं, इसके अलावा फिर हम नोट्स देते हैं अलग से पढ़ने के लिए, और तो और फिर हम सेलेक्टिव 5,000 प्रश्नों की बुकलेट भी देते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको अलग अलग लेवल पे हमें तैयार करना है बच्चों, और हमारा पहले अब प्रयास चल रहा है कि हम जल्द से जल्द सिलेबस करा दें, एक बार सिलेबस के बाद हमारा रिवीजन का सेशन चलेगा, हम बार बार चीजें रिवाइज करवाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। चाहे BSc नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी, CUET नीट कोई भी हो मेरे दोस्तों, प्रत्येक प्रवेश परीक्षा के लिए विजय एजुकेशन जाना जाता है, और आज के समय में विजय एजुकेशन ऐप बच्चों BSc नर्सिंग का सबसे बड़ा एजुकेशन ऐप है, जहां सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, और विशेषकर इस 2022 के अंदर बच्चों हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज अलग अलग राज्यों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विजय एजुकेशन से पढ़ करके उनका एडमिशन हुआ है। बच्चों हमेशा जब भी मैं कोई क्वेश्चन लेके आता हूं, 10 बार पहले ये देखता हूं कि वो क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया, कब आया, क्या इस क्वेश्चन का लेवल है बच्चों के एग्जाम में पूछे जाने का, उसी तरह की क्वेश्चन लेके आता हूं बच्चों। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो मैं तो ये चाहता हूं बच्चों आप लोग इस विजय एजुकेशन को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है, और जितने भी मैं क्लासे लेता हूं इनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों, ठीक है। आज शाम को 7:30 बजे क्लास प्लस पर मेरे दोस्तों अपना एक इंटरव्यू भी आ रहा है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, सपोर्ट करिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए मेरे दोस्तों, आपका बस हमें इतना प्यार चाहिए कि आप इन सेशन को शेयर करें, उनको देखें, और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें नोट करें, बढ़िया पढ़े बस, ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। स्तनधारियों और सरीसृपों के बीच की योजक कड़ी, ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन बी ही आ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल आपका मेरे दोस्तों जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑर्थिनोरिंकस जो है मेरे दोस्तों वो एक तो मेमल्स और इसके अलावा मेरे दोस्तों रेप्टाइल्स के बीच की क्या है मेरे दोस्तों, योजक कड़ी है। इन दोनों के बीच की क्या है मेरे दोस्तों, योजक कड़ी है, याद रखना। तो जबकि पेरीपेटस तो अभी हमने पढ़ ही लिया, पेरीपेटस तो मेरे दोस्तों किसके बीच की योजक कड़ी है, एनी लिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है ना, बिल्कुल। और ऑर्कियोप्टेरिक्स तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑर्कियोप्टेरिक्स तो मेरे दोस्तों पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है, एवीज और रेप्टाइल्स के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है ना। और बेलेनोग्लोसस जो है मेरे दोस्तों वो तो एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्तों, नॉन जो है कोरडेट कह सकते हो आप, ये तो नॉन कोरडेटा है, ठीक है ना, इसको हम लोग हेमी कोरडेटा भी बोलते हैं, हेमी कोरडेटा, ठीक है ना, इसको आप, इसे आप कोरडेटा और नॉन कोरडेटा के बीच की योजक कड़ी कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ऑर्निथोरिंकस जो है वो स्तनधारियों और सरीसृपों के बीच की क्या है, योजक कड़ी, याद रख लोगे क्या, किसके बीच की मेरे दोस्तों, रेप्टाइल्स और मेमल्स के बीच की योजक कड़ी, ओके। बेलेनोग्लोसस किसके बीच की, नॉन कोरडेटा एंड कोर डेटा के बीच की योजक कड़ी। पेरीपेटस
एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी, आर्कियोप्टेरिक्स, एवीज और रेप्टाइल्स के बीच की योजक कड़ी। क्लियर है कि नहीं? यह बात बच्चों आपको क्या रखनी पड़ेगी याद, कुकरबिट्टा के प्रतान और बोगेनविलिया के कांटे। जल्दी आंसर बताइए बच्चों, जल्दी आंसर बताइए। देखें, टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट्टा एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना? कौन सा आंसर आपका राइट होना चाहिए? ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आपके आंसर का मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, और इससे पहले भी मेरे दोस्तों जितने भी हमने सेशन लिए हैं उन सब की मैंने पीडीएफ मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप में डाल रखी है, तो कोई भी बच्चा अगर किसी ने कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं भी की है तो मेरे दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और जितने भी बच्चे इस सेशन को शेयर करते हैं उनका हमेशा वेलकम रहेगा। अमेठी आकाश, इसके अलावा सौम्या कुमारी, उषा सिंह, ठीक है, आरती साहू, प्रिया चौधरी, रमेश हंसा, ठीक है, अनुष्का यदुवंशी, आकांक्षा पटवा, जितेंद्र, इसके अलावा तृप्ति यादव, चौधरी बनवी, इसके अलावा कुमारी शिल्पा भारती, तुलसी राजपूत, ठीक है, लवकेश शर्मा, निशा कुमारी, गौरव कुमार, सृष्टि गिरी, राधिका धायल, अनु शर्मा, पूजा सुतारकर, ठीक है, अंकित, रूबी गौतम, इसके अलावा खुशबू कुमारी, शिव शक्ति, अनु शर्मा, इसके अलावा अरुण चावला, अनुष्का यदुवंशी, अभिनव कुमार, जतिन शर्मा, इसके अलावा माला कुमारी, ठीक है, हमारे साथ हैं, इसके अलावा प्रदम पटेल, शिव शक्ति, ठीक है, सभी का वेलकम है भाई। जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूं तो ये मत समझ लेना कि विजय सर नाम नहीं ले रहे हैं आपका, इतने तेज गति से कमेंट ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सोनम राजपूत, रेखा बिश्नोई, नीरज, खुशनुमा चौधरी, अखिलेश कुमार जो हैं, इसके अलावा महिमा पाल, संधु सानिया, नेहा कुशवा, मनीषा सैनी, शबनम कुमार, तृप्ति यादव, सुमन वर्मा, तानिया सिंह, बिल्कुल जी बिल्कुल तानिया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अलावा रितिका दुबे, अमन, सपना उपाध्याय, ठीक है, प्रेमलता चौधरी, गौतम रजनीश, मानवी सिंह, ठीक है, इसके अलावा हितेश बिश्नोई, शाहू, रेणु यादव, पासवान रोहित, धीरेन्द्र प्रजापति, डॉक्टर इंदिरा जानी, राधा यादव, मुस्कान यादव, ठीक है, इसके अलावा संदीप हंसा, योगिता कुमारी, मनीषा सैनी, नंदिता कुमारी, सोनी पाल, नीरज कुमार, ठीक है, दीपशिखा सिंह, दीक्षा गुप्ता, रितिका दुबे, सभी का वेलकम है। इसके अलावा सपना उपाध्याय, विवेक वर्मा, सोनम राजपूत, एसएमएस लवर, तृप्ति यादव, ठीक है, संधु, सभी का वेलकम है भाई, सभी का वेलकम है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, देखिए, टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट्टा एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया। बच्चों टेंड्रिल आपने देखा होगा, जो ककड़ी या खीरे की जो बेल होती है बच्चों, उसके ऊपर आपने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी, इसको बोलते हैं टेंड्रिल। इसको क्या कहते हैं बच्चों? टेंड्रिल। और थॉर्न का मतलब होता है कांटा, ठीक है ना? तो जो बोगेनविलिया पौधा होता है उसका कांटा, तो बोगेनविलिया का बच्चों जो कांटा होता है और कुकरबिट्टा का जो ये प्रतान होता है, ये दोनों ही बच्चों ओरिजिन में, ये दोनों उत्पत्ति में क्या है बच्चों? समान है। दोनों की ओरिजिन जो है, ओरिजिन में दोनों समान है, लेकिन इन दोनों के कार्य अलग है। कार्य क्या है? अलग है। ये जो कांटा है बच्चों, ये तो प्रोटेक्शन का काम करता है बोगेनविलिया में, जबकि ये जो टेंड्रिल है बच्चों, इस कुकरबिट्टा को आरोहण में, ऊपर चढ़ने में मदद करता है, सहारा लेने में, सपोर्ट में। तो काम अलग अलग हो गए, ओरिजिन सेम है, तो इसलिए बच्चों ये होमोलोगस ऑर्गन है। कैसे है? होमोलोगस ऑर्गन है। तो पौधों के अंदर यह होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण है, और यह कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, चाहे नीट हो, चाहे नर्सिंग हो, एम्स हो, सभी जगह यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा जाता है, और एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन होता है बच्चों। ये याद रख लेना, कुकरबिट्टा का प्रतान और बोगेनविलिया का कांटा, किस प्रकार का अंग है? समझात। कई बार अंगों का बात नहीं करके वो विकास की बात कर देता, अगर यहां विकास लिखा हुआ हो, अपसारु अभिसारी, तो यहां कौन सा सही होगा? अपसारी। कौन सा सही होगा बच्चों? अपसारी विकास। कैसा? यहां अपसारी विकास जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आगे चले ना। चलिए सर, अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विद्यमान पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछ काटते रहे, लेकिन पूंछ ना तो विलुप्त हुई और ना ही छोटी हुई, यह क्या दर्शाता है? विद्यमान ने बहुत बड़ी गलती की पूंछ काट के, ऐसे थोड़ी ना करता है कोई चूहों के साथ, ठीक है ना? लेकिन इन्होंने किया,
ठीक है। विज्मान ने क्या किया बच्चों, जो माइस था उसकी जनरेशन टू जनरेशन उसकी जो टेल थी उसको कट करते गए, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया जानते हो, जो मेरे दोस्तों लेमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत था बच्चों, लेमार्क ने कहा था जो अर्जित लक्षण है, जो हम लक्षण अर्जित करेंगे वही आगे जाएंगे, उसको गलत साबित करने के लिए, उसे खारिज करने के लिए विज्मान ने दोस्तों चूहों की पूंछ काटी। लेमार्क क्या कह रहा था, हम जितने भी लक्षण अर्जित करेंगे वो सारे अगली पीढ़ी में जाएंगे। लेमार्क कह रहा था हम जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे अगली पीढ़ी में वो ज्यादा विकसित होगा, ठीक है ना। तो ये लेमार्क की बात गलत थी, सारे अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, केवल वे लक्षण ही अगली पीढ़ी में जाएंगे जो हमारे जनन कोशिका को प्रभावित करते हैं। मान लो जन्म के बाद बच्चों किसी की अंगुली कट गई, तो बताओ जिस व्यक्ति की अंगुली कट गई उसकी संतान क्या कटी हुई अंगुली वाली होगी। एक व्यक्ति जीवन भर मुंडन करवा रहा है, ठीक है, तो क्या इसके बच्चे गंजे उत्पन्न होंगे। एक व्यक्ति लंबी दाढ़ी मूछे रखवा रहा है, तो क्या उसके जरूरी थोड़ी ना उनके बच्चे जो हैं वो लंबी लंबी दाढ़ी मूछों वाले होंगे, ठीक है ना। मेरे दोस्तों कोई जरूरी नहीं होता कि हमने जन्म के बाद हमारे शरीर में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ कट गया, अंगुली कट गई, तो अगली वो जो बदलाव है वो अगली पीढ़ी में जाए, यह जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही दिव्यांग है, जन्म से ही अपंग है, तो हो सकता है उनके बच्चे भी दिव्यांग हो, ठीक है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, तो उस बात को इसने खारिज किया था विज्मान ने। विज्मान ने कहा था कि भाई जो जनन कोशिका में परिवर्तन होता है वो ही आगे जाता है, कायिक कोशिका में जो बदलाव होता है वो आदमी की मृत्यु के साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। कायिक कोशिका वाला जो परिवर्तन है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता। तो विज्मान ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई, जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी बच्चों, विज्मान ने दी थी, ठीक है ना। और विज्मान ने लेमार्क का सिद्धांत जो है वो गलत साबित किया था। किसका, लेमार्क का सिद्धांत। तो डार्विन सही थे, इसका पहला पॉइंट है। क्या डार्विन सही थे, ये बात कही नहीं। पूंछ एक जरूरी अंग है, नहीं। उत्परिवर्तन सिद्धांत गलत है, नहीं। लेमार्कवाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में गलत था, हाँ ये पॉइंट सही है। पर दोस्तों विज्मान के सिद्धांत से क्या पता चला कि लेमार्क ने जो बात कही थी वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। मेरे दोस्तों बताइए इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, इनमें से ऐसा कौन सा घटक है जो जब पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जीवन बन रहा था, पृथ्वी पर जब पहला जीवन उत्पन्न हो रहा था तब वातावरण में कौन सी चीज नहीं थी इनमें से, बताओ। अमोनिया तो था, मिथेन भी था, हाइड्रोजन भी था, लेकिन वातावरण में क्या नहीं थी उस समय, ऑक्सीजन नहीं थी बच्चों। शुरुआत में जो वातावरण था वो अवायवीय था, इसका मतलब ऑक्सीजन रहित था, अपचायक था। कैसा था, अपचायक यानी रिड्यूसिंग, ठीक है ना बच्चों, याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन की शुरुआत मेरे दोस्तों कब होती है, क्या चीज जरूरी है, बताओ। कार्बन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, जल जरूरी है कि नाइट्रोजन, बताओ। आप पढ़ते हो ना अक्सर, जल ही जीवन का आधार है, जल है तो कल है, तो जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो जीवन के लिए जल जरूरी है। इसलिए प्रथम जीवन, पर दोस्तों पहली लाइफ, प्रथम जीवन की उत्पत्ति, पहले जीवन की उत्पत्ति किस में हुई थी दोस्तों, जल में हुई। पहले जीवन की उत्पत्ति किस में हुई थी, जल में हुई थी। पहली पृथ्वी पर जो पहला जीव उत्पन्न हुआ था वो जलीय था, याद रखना। और मेरे दोस्तों जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं या एग्जाम में ये पूछ ले कि भाई यूनिवर्स की ओरिजिन का सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो याद क्या रखोगे, बिग बैंग। क्या याद रखोगे, बिग बैंग सिद्धांत। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, अगर ऐसे पूछ ले तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो याद रखना ओपेरिन। कौन सा बच्चों, ओपेरिन
एवं हॉल्डेन का सिद्धांत, ओपेरिन एवं हॉल्डेन का सिद्धांत। यह सिद्धांत मेरे दोस्तों वो सिद्धांत है जिसने क्या बताया, पृथ्वी पर प्रथम जीवन उत्पत्ति, पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया उसे एक्सप्लेन करने वाला सबसे ज्यादा वैलिड थ्योरी किसकी है, ओपेरिन और हॉल्डेन की। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ओपेरिन और हॉल्डेन की सिद्धांत को प्रूव किसने किया था, तो मिलर ने किया था बच्चों। किसने? मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके क्या किया था दोस्तों, इस थ्योरी को प्रूव किया था। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन अपन इसके बाद और लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फिर याद दिलाता हूँ, विजय एजुकेशन पर मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग के लिए अभी बैच चल रहे हैं, ठीक है ना, और अब हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले एक या दो दिन में विजय एजुकेशन पर हम फरवरी बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी क्लासें 1 फरवरी से शुरू होगी और जिनके रजिस्ट्रेशन अगले एक या दो दिन में शुरू हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल नए बैच में जुड़ करके स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से क्लास लेना चाहता है, ठीक है ना, तो वो जुड़ सकता है। बस इतना है कि बच्चों जो नए बैच अब हम शुरू करेंगे उनमें एक एक घंटे हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपका समय पर सिलेबस हो सके। तो विजय एजुकेशन के न्यू बैच से अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो आगामी एक दो दिन में नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी खुशखबरी कल तक मैं आपको दे दूंगा। फीस नहीं बढ़ने वाली है, जरूर हम सिलेबस समय पे करा देंगे, लेकिन मेरे दोस्तों फीस बढ़ा करके नहीं, फीस घटाएंगे ही, ये कंफर्म है। विजय एजुकेशन का कोई भी ऑनलाइन कोर्स मेरे दोस्तों आप ले सकते हैं 1000 रुपए से भी कम फीस में, ठीक है ना, 1 महीने के 100 रुपए से भी कम खर्चे में आप विजय एजुकेशन पर पढ़ सकते हैं, और वो भी टॉप सेलेक्टेड टीम से, ठीक है, बिल्कुल। मानव के विकास का क्रम क्या था, मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों, जल्दी 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 बताइए, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आई, फिश, बिल्कुल सही है। क्या पहले पृथ्वी पर कीट आया, जंतुओं की बात कर रहे हैं तो ये गलत है, इंसेक्ट वाला तो सीधा ही गलत। मछलियों से कौन बना, फिश से कौन बना, एम्फीबिया, एम्फीबिया से कौन बना, बर्ड, ये तो गलत हो गया, बर्ड थोड़ी ना बना, ठीक है, फिश, फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से मानव। अब देखो यहां बच्चे गलती करेंगे, यहां बच्चे गलती करेंगे, यहां क्या लिखा हुआ है देखो, फिश, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर एवीज और फिर ह्यूमन। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे जबकि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सी क्यों करेक्ट है अभी बता रहा हूं बच्चों, देखिए मेरे दोस्तों जब भी ओरिजिन हुआ तो पहले तो कौन इवोल्व हुई, फिश, फिश से कौन इवोल्व हुआ, एम्फीबियन, मेडक जैसे जीव, एम्फीबियन से कौन इवोल्व हुआ, रेप्टाइल इवोल्व हुआ। अब रेप्टाइल से 2 ब्रांच बनी बच्चों, रेप्टाइल से साथ साथ बर्ड भी बने और इधर मेरे दोस्तों आपके मेमल्स भी बने, ठीक है ना, तो याद रख लेना जब भी आप लिखोगे ना तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मेमल्स, और मेमल्स बने इसका मतलब ह्यूमन भी बना, ठीक है। इसी तरह से जब इधर लिखोगे तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड, ठीक है, बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का, ठीक है, देखिएगा। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद निम्न पर आधारित है, क्या? डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद निम्न पर आधारित है। डार्विन ने नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी दी, सब जानते हो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, वो किस पे आधारित है, क्या वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है? नहीं, इस पर तो आधारित है लेमार्क का सिद्धांत। इस पे तो कौन सा सिद्धांत आधारित है, लेमार्क का सिद्धांत। क्या म्यूटेशन पर आधारित है? नहीं, म्यूटेशन पर आधारित है ह्यूगो डी व्रिज का सिद्धांत। ओके, फिर है जीव जातियों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति, जीवन, जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की उत्तरजीविता पर, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है अंगों के उपयोग और अनुपयोग पर। अंगों के उपयोग और अनुपयोग पर भी लेमार्क का सिद्धांत आधारित है, तो यह भी नहीं हो सकता, यह ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं और 1 भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है बच्चों, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और यह मेरे दोस्तों नेचुरल सेलेक्शन के बारे में ही बता रहा है, नेचुरल सेलेक्शन के मेरे दोस्तों ये पॉइंट है, नेचुरल सेलेक्शन का पहला जो पॉइंट है वो है जीवों में
संतान उत्पत्ति की क्षमता, ठीक है ना, फिर है जीवन संघर्ष, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट है मेरे दोस्तों, योग्यतम की उत्तर जीविता, तो ये सारे पॉइंट है किसके मेरे दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन के, ठीक है ना, तो ये सारे नेचुरल सिलेक्शन के ही मेरे दोस्तों अवधारणाएं हैं, आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो डार्विन की थ्योरी का नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, याद रख लोगे, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं कहूं कि डार्विन ने कौन से जहाज के द्वारा भ्रमण किया था, भाई SMS बिगल जहाज इन्होंने लिया था मेरे दोस्तों, जो कि इंग्लैंड की नौसेना का जहाज था, ठीक है ना बच्चों, और इन्होंने गैलापागोस द्वीप समूह का भ्रमण किया था, वहां इन्हें कुछ मेरे दोस्तों बर्ड दिखे थे, उन बर्ड का इन्होंने क्या नाम रखा था भाई, उन बर्ड का इन्होंने नाम रखा था डार्विन फिंचेज, क्या रखा था बच्चों, डार्विन फिंचेज, याद रख लोगे कि नहीं, बिल्कुल रख लेंगे जी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों ये आज की क्लास है, बाकी अपन नेक्स्ट और भी पढ़ते रहेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो समझते रहेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद में 7:30 बजे बच्चों विजय एजुकेशन की पूरी जर्नी आपको यहां पर क्लास प्लस पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद में, अब थोड़ा सा समय बचा है, अगले 1 घंटे के बाद में बच्चों आपको यहां पर विजय एजुकेशन की जर्नी देखने को मिलेगी क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पे, तो आप जरूर क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल को विजिट करिएगा, और वहां प्यारे प्यारे बच्चों अपने कमेंट करिएगा, विजय एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।